ठंड आते ही मंडियों में मटर आना शुरू हो गया है। जबलपुर की मंडियों में भी मटर आना शुरू हो गया है और किसान अपना मटर लेकर मंडियों में आने लगे हैं। शुरुआती दिनों में मटर की कीमत काफी ज्यादा होती है। जबलपुर की मंडी में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए न किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही किसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। वहीं मंडी में बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी अपना मटर और अपनी उपज लेकर पहुँच रहे हैं, पर मंडियों में न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, पर न तो मंडी प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार का आदेशों के पालन कराए जा रहे हैं और न ही जिला प्रशासन द्वारा मंडी में पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही है। मंडी में साफ सफाई की व्यवस्था तो और खराब है, हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पर साफ सफाई का नामो निशान नहीं है और नहीं हो रही है साफ सफाई। अपने यहाँ 30 अक्टूबर से शुरू है, 80-90 रुपए से लेकर पोजीशन 20 रुपए से 40 रुपए की पोजीशन हो गई। अभी बाजार की माल उतने अच्छे नहीं आ रहे, माल इतने दुखते अच्छे आ रहे हैं, जिससे रेट अभी थोड़ा सा डाउन है। और दूसरी मंडी में भी थोड़ा डाउन होने के कारण यहाँ पे डाउन हो गया। ये माल कहाँ कहाँ जाता है? जब ये माल अभी रायपुर जा रहा है, छत्तीसगढ़ नागपुर जा रहा है और तुम्हारे से पूना जा रहा है और उत्तर प्रदेश कुछ बेल्टों में जा रहा है। रेट की बात की जाए तो ज़्यादा खपत होने के कारण रेट ज़्यादा माल आने के कारण थोड़ा सा रेट डाउन है और माल की क्वालिटी नहीं मिल पा रही। माल की क्वालिटी क्या कारण है जो क्वालिटी नहीं आई इस बार? धूप क्लाइमेट नहीं बन पा रहा है। आपको नाम भैया बंजारा सुनकर ठीक या किस तरह का रेट है इस बार? मटर आज की डेट में 32-32 रुपये बिक रहा है और अभी शुरू हुआ है मटर, अब आगे देखो क्या रेट बिकता है। और मंडी की बात है, किसान आ भी रहे हैं बस ये सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे और समझ ही रहे हैं ना तो कोई सैनिटाइजर है किसी के पास, और तो प्रशासन भी कुछ नहीं देख रहा है यहाँ पर, कहीं कोई पुलिस लगी हो, कलेक्टर साहब ने कोई यहाँ व्यवस्था करी हो मंडी में, कोई भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई की बात की जाए, देखते हैं आप, सफाई भी देख ही रहे हैं आप, कोई व्यवस्था नहीं, ना लाइट है ना कुछ है, कोई व्यवस्था ही नहीं कर रहा, प्रशासन कुछ करने ही नहीं आ रहा था। लगता है जैसे पिछली बार घटना हुई थी चोरी की बड़ी, ऐसा आगे भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ये कहीं चौकी नहीं है, कहीं पुलिस नहीं है, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो स्वाभाविक बात घटनाएं तो होंगी। अब कोई व्यापारी पैसा लेके जाएगा और रास्ते में गाड़ी नहीं होगी, किसी के साथ भी हो जाए कुछ हो जाए, कलेक्टर साहब को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। विकास भी है ठीक भैया जी, हमारे सबसे। क्या न्यूज़ के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।